नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। जनता दरबार में आपका स्वागत है। झांसी एनकाउंटर में मारे गए अतीब अहमद के बेटे असद को शूटर गुलाम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। गुरुवार देर रात 2 बजे तक 3 डॉक्टरों ने पैनल ने दोनों मृतकों और पोस्टमार्टम किया था। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार माफिया के बेटे असद को 2 गोलियां लगी थी, जबकि शूटर गुलाम एक ही गोली में ढेर हो गया था। असद को एक गोली के पीछे से लगकर दिल में और सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। दूसरी गोली सामने से सीने में लगी और गले में जाकर फंस गई थी। डॉक्टर की टीम ने गोली को बरामद किया, वहीं शूटर गुलाम को सिर्फ एक गोली लगी जो पीठ में लगकर दिल और सीने को चीरते हुए बाहर निकल गई थी। साथ ही आज असद का शव प्रयागराज पहुंचेगा, ऐसे में अतीक और अशरफ को कोर्ट में इजाजत नहीं मिली है।